नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर से न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैप बाथरूम में कोंपला किस प्रोसेस से लगाओगे और गेट पे आपको चौखट के पास टाइल्स किस प्रोसेस से लगाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे ये कोंपला है, ठीक है। इस कोंपला को आपको किस तरह से लगाना है और इसका साइज आपको किस ढंग से मिलाना है, किस ढंग से कटिंग करना है, किस तरह से फिटिंग करना है, और इधर का फेस देख पा रहे ये गेट के पास आपको जो है किस प्रोसेस से टाइल्स को लगाना है, जिससे कि दोस्तों आपका गेट का नापी नीचे ऊपर सेम बराबर हो, ताकि आगे चौखट लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, ए टू जेड जानकारी देंगे, जिससे कि दोस्तों आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिलेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे भाई लोग ये चीज के कॉमेंट कर रहे थे कि मेरे भाई बताइए कि जब हम ये कोंपला पे टाइल्स लगाते हैं, जब कोंपला पे टाइल्स लगाने की बारी आता है तो यहाँ पे होता क्या है कि ये पाइप वाला कोंपला होता है, ठीक है। इसमें पाइप रहता है, पाइप का कोंपला रहता है, इसको सीधा में नहीं रहता, ये साउल में क्या हुआ नहीं रहता। तो हमें इस जगह पे आपको किस ढंग से लगाना है, ये चीज बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही इजीली बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप सही प्रोसेस से काम कर सकते हो और आप सही प्रोसेस से लगा सकते हो। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर दो कोपला, ठीक है, इधर का दो कोपला है, ये गेट के पास इधर का भी है और गेट के पास इधर भी है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस करोगे ना तो होगा क्या, आपका ये जो है गेट चौखट जो लगेगा ये बेसाउल हो जाएगा, तो बेसाउल हो जाएगा तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगा। वो यही नहीं, आपको ये जो स्पेसर का ज्वाइंट है ये भी आपको मिलाना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको मिलेगा, किस ढंग से कटिंग करना है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ मैं आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। क्योंकि आप जानते हैं जितेंद्र भाई, आपसे कोई चीज छुपाता नहीं मेरे भाई, आपको जो भी जानकारी देते हैं ना, लेकिन शुरू से लेकर जब भी साइट पे शुरू काम शुरू करते हैं तो ए टू जेड जानकारी देते हैं, हर जगह का जानकारी देते हैं। इसलिए ताकि आप कोई भी मकान में आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको कोई मिस ना हो कहीं पे, ठीक है। मैं आपको दिल खोल के बताता हूँ मेरे भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा जितेंद्र भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और इतना काम तो आप जितेंद्र भाई के लिए कर ही सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। आपको कोंपला टाइल्स कटिंग करने का नापी बता देता हूँ कि आपको किस प्रोसेस से करना है। ऊपर 9 इंची है, इधर 8.5 इंची है, तो आपको नापी कहाँ से लेना जानते हैं, आपको ऊपर से लेना है जहाँ ज्यादा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 9 इंची है तो आपको क्या करना, 9.5 इंची लेना, क्योंकि इधर से भी आपका टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो इधर का टाइल्स लगेगा, 9.5 इंची ले लेना। उसके बाद इधर का फेस का नापी आपको लेना, जैसे कि मान लीजिए ये बना हुआ कितना, 4 इंची, और ये बना हुआ कितना देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बना हुआ है 5 इंची, यानी कि 1 इंची का अंतर है। तो अब आपको क्या करना, 5 इंची पर से नापी लेना, 5.5 इंची इधर का नापी ले लेना है और आपको 9.5 इंची इधर का नापी ले लेना। अगर आप चोंच बना रहे हो तो चोंच बनाने के लिए आपको एक एक सूता और ज्यादा लेना है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा कम लेकर चलना, ठीक है। इस प्रोसेस से यहाँ से नापी करके पीस को कटिंग करना। अब एक चलिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, जब आप पीस कटिंग कर रहे हैं तो 1-1 mm को ध्यान रखते हुए आपको सीधा कटिंग करना, थोड़ा सा भी मिस होगा तो आपका ये सीधा नहीं चलेगा, ठीक है, ये सीधा लगेगा नहीं, समझ रखना है। तो आपको पहले कटिंग उसी अनुसार से करना है, जिससे कि दोस्तों आपको 1 mm भी मिस ना हो, ठीक है। अब प्रोसेस आता है गेट पे लगाने का, तो ये भी आपको तरीका बताता हूँ कैसे कटिंग करना। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे इधर भी कोंपला है, ठीक है, और इधर भी कोंपला। तो अब यहाँ पे आपको नापी किस प्रोसेस से लेना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ढंग से आपको पहले नापी लेना। जैसे कि मान लीजिए आपको पहले ये नहीं लगाना, ठीक है, पहले ये आपको नहीं लेना है, पहले आपको ये का इसका नापी लेना है। जैसे देख लीजिए ये बना हुआ है कितना, 16.5 इंची, ठीक है, और ये बना हुआ कितना, 16.5 इंची, यानी कि ये जो है बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, 16.5 इंची है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 17.5 इंची पे ले लेना, ठीक है, क्योंकि इधर से भी टाइल्स लगेगा तो 17.5 इंची इधर का ले लेना है, ठीक है, इधर का नापी 17.5 इंची ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से नापी ले लेना, ठीक है, मसाला का मार्जिन लेते हुए आपको इधर का नापी लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7.5 इंची आ रहा है, ठीक है, तो इधर 7.5 इंची आ रहा है, उसके बाद इधर भी आप कर रहा है 17.5 इंची, इस ढंग से नापी कटिंग कर लेना। उसके बाद इधर का नापी आपको लेना, तो इधर का नापी पहले आपको नहीं लेना, पहले आपको इधर का कटिंग कर लेना है, एक कटिंग आपको बाद में करना, ठीक है। तो आपको पहले इधर का कटिंग करना, तो इधर का कटिंग करने के लिए आपको यहाँ के फेस के बराबर से आपको नापी ले लेना, ठीक है, और इधर से मसाला का मार्जिन आपको ले लेना, समझ रखने। तो अब आपको इधर का नापी आपको इस प्रोसेस से लेना है, 7.5 इंची इधर भी आ रहा, ठीक है, तो 7.5 इंची इधर का नापी, आप ये इसका नापी कटिंग आपको अभी नहीं करना, ठीक है, इसको बाद में करना, पहले ये कटिंग कर लेना, ये दोनों कटिंग कर लेना, फिर उधर का कोंपला कटिंग कर लेना। आप देखिए मेरे भाई, हम जो है यहाँ पे टाइल्स को कटिंग करके ले आए हैं, ठीक है, अब इसको लगाना है। तब मैं आपको लगाने का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस ढंग से लगाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस करोगे ना तो आपका टेढ़ा हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो आपको सही प्रोसेस है, इसको चढ़ाना है ऊपर, यहाँ पे देख पाऊंगे इधर मसाला ज्यादा लग रहा है, फिर ऊपर जाके आपको इस साइड में मसाला ज्यादा लगेगा, तो मसाला ज्यादा लगेगा उससे घबराना नहीं है आपको, बस
ये कोंपला आपको सीधा खड़ी करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, ठीक है। जो है ना आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक से देखना और समझना, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे ना, नहीं समझ पाओगे तो आपका गेट सही से नहीं बनेगा और आपका जो जब पल्ला लगेगा चौखट तो आपको बदगुनिया भाग जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ना 100% आपको काम आने वाला, ठीक है, और बहुत ही इजिली आप समझ जाओगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस प्रोसेस से रख के देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे जुगाड़ दे देना है इस प्रोसेस से। अब देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पे जो है इस तरह से टाइल्स एक साइज में ये कटिंग किए हैं, ठीक है, एक साइज में कटिंग कर लिया। अब इसको हमको लगाना है। अब उसके बाद आपको ये जो टुकड़ा आप इधर का नापी कटिंग किए हो, इसको भी आपको जो है पहले इधर से देख लेना, लगाना नहीं, पहले आपको देखना है, इस प्रोसेस से देख लेना, इधर के फेस बराबर आपको कर लेना। देखिए इस प्रोसेस से ये हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो है स्पीड लेवल से आपको लेवल देख लेना, ठीक है, लेवलिंग आपको पहले देख लेना है ऐसे में। ये लेवलिंग इस प्रोसेस से देख लिया। अब आपको करना क्या होगा, फिर आपको इसको साहुल देख लेना, ठीक है, इस प्रोसेस से इस एंगल में देख लेना है। देखिए ऐसे में हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर का टुकड़ा लगा लेना, ठीक है, इधर से आपको भी लगा लेना है। देखिए इधर टुकड़ा लगाने के बाद आपको बटन से चेक कर लेना, ठीक है, इस प्रोसेस से आपको बटन लगा के देख लेना है। देखिए इस प्रोसेस से आपको बटन देख लेना, ठीक है, बटन के देख लेने के बाद आपका काम फिनिशिंग होगा, समझ रहे कि नहीं, स्क्वायर में हो जाएगा। तो आपको बटन में इस प्रोसेस से देख लेना है। अब इतना काम कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपका ये जो दीवार है ये सीधा चला जाएगा, साउल में चला जाएगा,
समझ रहे कि नहीं? उसके बाद आपको इधर के साइड लगाना, पहले इसको सही से खड़ी करना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको कि दोनों को एक साथ लेके चलना है, समझ रहे कि नहीं? दोनों को एक साथ लेके चलिएगा तो इधर उधर भागेगा नहीं, समझ रहे कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों को एक साथ लेके चलना है। आप देखिए मेरे भाई, अब आपको करना क्या होगा, पहले आपको इस प्रोसेस से नापी ले लेना है इसका, ठीक है? कि नापी इसे सब 29 इंची है और ये ऊपर आ रहा साढ़े 29 इंची। तो अब आपको क्या करना जानते हैं आप, जो है आपको इधर के पीस लगाना है, ठीक है? इधर का साइज के पीस लगाना है। पहले आपको इधर का टुकड़ा ये वो कटिंग कर लेना है इधर से, ठीक है? पहला पीस ये आपको कटिंग कर लेना है, उसके बाद आपको ये दोनों पहले लगाना है। लगाने के बाद पहले आपको ये चढ़ाना है और आपको करना क्या होगा, आपको जो है इधर से आपको गेट को नापी करते हुए चढ़ना, ठीक है? इसमें आपको यहाँ से नापी ले लेना है ये पीस लगाने के बाद, फिर आपको ऊपर लगेगा तो ऊपर के पीस का भी नापी ले लेना और उसी करके आपको ये चढ़ाना है।